अगर कायनात रफीज भाग गए तो घरों में ऐसी आग लगेगी जो कभी बुझ नहीं पाएगी। हाँ हाफिज, क्या खबर है उस लड़की की? दुआ बाजी के साथ हुए जुल्मों का हिसाब होने वाला है अम्मी। कायनात घर से भागने वाली है। बहुत खूब मेरे शेर। बस अब कायनात तुम्हारी बताई हुई जगह पर पहुंच जाए तो मुझे इत्तला कर देना, फिर शुरू होगा हमारे मंसूबे का दूसरा दर्जा। अख्तर खानदान का सर शर्म से झुकने वाला है हाफिज। मेरी बेटी को तकलीफ देने वालों को अब एहसास होगा कि आखिर तकलीफ होती क्या है। मैं तेरे आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब अख्तर खानदान से लूंगी दुआ। हम कामयाब होंगे ना अम्मी, क्योंकि बाजी खामोश बैठने वालों में से नहीं। कायनात ये हैदर भाई को सच्चाई बता देगी तो क्या होगा? हफीज वो दुआ है तो मैं उसकी माँ हूँ। वो कायनात से बात नहीं कर पाएगी। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तू इस सब की फिक्र छोड़ और अपने अगले कदम के बारे में सोच। अम्मी ये तो जुल्म है ना, आप बाजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? दुआ को हमारे इरादे मालूम हो गए हैं हफीज, और तू जानता है कि हमें रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अम्मी आप कुछ भी कहें पर मुझे ये सही नहीं लग रहा। मेरे बच्चे, सही और गलत का फैसला करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। जब मैं मर जाऊँ तब तू अपना दिमाग चला। हैदर को फोन करती हूँ, हैदर इसी मुसीबत से निकालेंगे, हैदर सब संभालेंगे। नहीं लग रहा। हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बेवकूफ है तेरी बहन, और दुनिया का सामना करने के लिए कभी कभी दुनिया वालों जैसा बनना पड़ता है। दुआ तो अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है, हमें ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना, दुआ की फिक्र छोड़ दे, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़। बस कायनात को अपने पास बुला, चल से चल, ताकि हमने जो इरादा किया है हम उसे पूरा कर सकें। जी अम्मी। मुझे माफ करना दुआ बेटा, और तेरे ऊपर हुए जुल्म का बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं आपको अपना बदला लेने के लिए ये गंदा खेल नहीं खेलने दूंगी, इतना खतरनाक खेल कभी नहीं खेलने दूंगी। इस खेल को तो अब मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी दुआ। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।